हे एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप DU, BHU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंस्टीट्यूट में, वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे इन इंस्टीट्यूट में, इन वेल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कैसे इजीली आप इन बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, क्योंकि इन बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने का कई सारे फायदे, एक फायदे नहीं अनेकों फायदे हैं, ठीक है। यदि आप ये सोचते हैं कि इन बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाने का एक ही रीज़न है कि आपको बाद में जॉब अच्छी मिलेगी, ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बट ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिससे आपको इन बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना ही चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको यहीं पर, आपका एक तो पहला खुद का रीज़न क्या, क्या इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको एक अच्छी जॉब ऑफर मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, आप जब यदि हायर स्टडी के लिए जाओगे तो आप कुछ बहुत कुछ तो यहीं से सीख चुके होंगे, इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हायर स्टडी में जाने के। यदि आप चाहते हो PhD करना फॉरेन से या इंडिया के इंस्टीट्यूट से ही, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सेकंड वो है, हायर स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। थर्ड है एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से होता है यहाँ के, जो आप जाओगे इंस्टीट्यूट में, इन बड़े इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ जाने के कई सारे फ़ायदे में से एक फ़ायदा क्या है, आपको लोग वैसे मिलते हैं, वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जो आपकी थिंकिंग स्किल से लेके हर एक स्किल को आपके इम्प्रूव करता है, ठीक है। मान लीजिए आप, मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, ठीक, क्लासेस में तो वैसे नॉलेज मिलेगा बराबर के, बट ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं पता होती है, और इंस्टीट्यूट में जाने के बाद स्टूडेंट बहुत सही होते हैं, है ना, वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपको एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको पता चलेगा, ठीक है, आपकी थिंकिंग स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं, वो बताने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ बेसिकली, तो हम वो और कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जिसके नाम से जाने जाते, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या फिर JNU, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और या फिर हम बात करें और भी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आपके रीजन में, कोई पास में कोई बेहतर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इन सारे में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है वो हम, और उसके लिए क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो टोटल MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, यदि आप इन इंस्टीट्यूट से MSc करना चाहते हैं तो टोटल 4 MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। IIT JEE, IITs में एडमिशन के लिए होती है, GATE भी, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के साथ, जैसे कि अभी जो इंस्टीट्यूट बताया उनमें से वो सारे इंस्टीट्यूट GATE भी एग्ज़ाम दिलाता है, और SOET PG भी। तो आज हम एक एग्ज़ाम मिलने बात करने वाले हैं, वो है SOET PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। जब DU, BHU, JNU से कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको और एक एग्जाम देनी होगी SOET PG के। तो आपके मन में सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या सर GATE से, IIT JEE का समझ में आता है कि IIT में एडमिशन मिलेगा, क्या GATE से इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता? मिलता है डेफिनेटली, पर SOET PG के कंपैरिजन में GATE का सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इजिली कवर कर लोगे, आपके पास टाइम है तो, ठीक है, बट SOET PG सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट का पूछता है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी में भी वो जो सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर डिग्री में, जैसे कि जूलॉजी से आप एग्जाम देना चाहते हो तो जूलॉजी के 75 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री से तो बायोकेमिस्ट्री 75 क्वेश्चन, लाइफ साइंस के 75 क्वेश्चन, ऐसे बस सिर्फ, जैसे कि आप यदि बॉटनी से बिलोंग करते हो तो बॉटनी के 75 क्वेश्चन ओनली, ठीक है, यदि आप माइक्रोबायोलॉजी है आपको और आप माइक्रोबायोलॉजी से एग्जाम देना चाहते हो 75 क्वेश्चन सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी से आएंगे, तो कितना आसान है, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, और वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। तो हम SOET PG के बारे में जानने वाले हैं, यहाँ पर ना तो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ नहीं होता, GATE में तो फिर भी होता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि DU, BHU, JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कई वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी होगी, और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल कर आती है SOET PG, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये SOET PG की एग्जाम देने के लिए आपको उसको देना है, उसको क्वालिफाई करना है और अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसके लिए पहला है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है, एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए।
सेकंड, आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड, पिछले कई मतलब जितने सुइट पिछले 3 सालों से हो रही है, तो क्या पहले सुसेट के नाम से जानी जाती थी, तो इन पिछले 3 सालों का सुइट पीजी का क्या कट ऑफ रहेगा और बेसिकली वो क्या जाता है, वो पता होना चाहिए। थर्ड बात। फोर्थ, ये सुइट पीजी पिछले 3 साल से हो रही, इसके पहले सुसेट होती थी डीयू बीएचयू जेएनयू में जाने के लिए, या फिर अपने अपने ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए होती थी और डीयू बीएचयू अपने अपने एग्जाम लेते थे, बट अभी सुइट की एग्जाम होती है। तो ये सुइट एग्जाम में किस हर साल किस यूनिट के, ठीक है, किस यूनिट के किस टॉपिक से हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, ताकि आपको वो टॉपिक पता चल जाए तो आप उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें और एग्जाम में अच्छा बेहतर स्कोर करें, ठीक है। तो उसके लिए पेपर एनालिसिस पता होना चाहिए। फोर्थ चीज। फिफ्थ, चलो आप इतनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई है, तो अब आपको फिफ्थ पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यानी कि आपको रिकॉर्डेड कोर्स की जरूरत होगी, या फिर आपको मतलब मैं ये नहीं कर रहा पेड लीजिए या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस की जरूरत होगी। फिफ्थ, सिक्स्थ, अब आपने रिकॉर्डेड क्लास कर भी ली तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, ताकि आप पता कर पाए कि एग्जामिनर, ये सारी स्ट्रेटेजीज है गाइस, ठीक है, कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है, किस यूनिट के किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते, पता चले आप पढ़े जा रहे हो आपको पता ही नहीं कि एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाहता है, वो छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हो आप, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, प्रीवियस ईयर को पेपर लगाने होते हैं। अब आपने वो भी लगा लिया, आप चाहते हो कि और भी ज्यादा मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट पहले, 6th रिकॉर्डेड क्लास, 7th हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और आपका 8th हो गया मतलब या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और बहुत सारी ऐसी चीजें, ये तो मेन चीजें हुई जो आपकी जरूरतमंद चीज है। अब ये सारी चीज में से मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपके लिए एग्जाम का सिलेबस देकर रखा है, एग्जाम पैटर्न कट ऑफ पेपर एनालिसिस पहले से ही कर रखा है, ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, फ्री प्राइम क्लासेस हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ये सारी चीज हमें आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आपका कितना ज्यादा टाइम सेव हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको IFS की वेबसाइट या IFS के ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, ये सब चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ठीक है, इससे IFS का कोई वो नहीं है, ठीक है, फायदा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यहाँ से कोई पेमेंट नहीं, ठीक है, आप जाकर देखो एक बार, वहां पर मिलेगा। तो ये सारी चीज हमने आपके लिए कर रखी है, तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता दूं, आपको स्वेट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसके लिए कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाना हम पर छोड़ दीजिए, कैसे प्रिपरेशन, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और क्या क्या चीजें आपको कवर करवानी, वो सब हम कर लेंगे, बस आपको सिर्फ रिवाइज करना है जैसा हम बताते हैं, वही बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती है कि फॉलो योर टीचर, फॉलो योर गाइड, फॉलो योर मेंटर, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप हमें फॉलो करोगे आपका, तो ये सारी चीजें हमने आपको कर ली, आपने 70% पार्ट कवर कर लिया, या मैं बोलूं तो आपने 60% पार्ट या 50% आप बोल सकते हो, 50% होता है आपका पढ़ना। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या है, ये तो क्या कवर, कुछ नहीं हुआ, अरे ये कवर नहीं, पढ़ना है तो मेन इंपॉर्टेंट था, आपने उसको छोड़ के इसको इंपॉर्टेंट बता दिया, अरे उसको इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, वो ब्लाइंडली स्टडी करने से अच्छा है स्मार्टली स्टडी करे, तो उसके लिए ये सब चीज़ें करनी होती है, वो आपने कर ली, अब आपका पोर्शन सिर्फ इतना बचता है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ने की जरूरत है, और एग्जाम बेस्ड स्कोर लेकर आओगे आप सुइट पीजी के एग्जाम में, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, तो बस आपने हमें फॉलो कर लिया। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, सुइट पीजी के एग्जाम यूजी के लिए भी होती है सुइट की एग्जाम, अब जो आप मास्टर में मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं या मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी में, तो आपको सुइट पीजी का एग्जाम देना होता है, इसे NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, तो याद रखिएगा NTA कंडक्ट करवाता है। सुइट पीजी का एग्जाम का मंथ मार्च का होता है, यानी कि सुइट पीजी 2024 का एग्जाम भी मार्च में हुआ था और सुइट पीजी 2025 का एग्जाम भी इन द मंथ ऑफ, ये टेंटेटिव डेट्स में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी फिक्स नहीं आई है, बट टेंटेटिव अगले साल सुइट पीजी 2025 का एग्जाम भी मार्च के मंथ में होगा, ठीक है। तो आपको
एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपने फाइनल ईयर कर, आप यदि आप फाइनल ईयर में हो अपने बीएससी के तो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी, इसके एज लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पर, देयर विल बी नो एनी एज लिमिट हियर, ठीक है। थर्ड, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब मैंने कि यहाँ पर 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो कैसे, एक कोई यूनिवर्सिटी आपको 55% से अबव है आपके बैचलर डिग्री में तो आपको एडमिशन दे देती है, कोई यूनिवर्सिटी आपको 60% अबव पर देती है, बस मिनिमम 55 मानना चाहिए आपको आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और वही ओबीसी और एज ओबीसी और बाकी कैटेगरी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50% सफिशियंट है, ठीक है। और कोई सा इंस्टीट्यूट ओबीसी के लिए 55% मांग लेगा, तो वही आपको 60 से ऊपर हो आप तो आप सेफ हो, ये एग्जाम दे सकते हो अपने बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। भले आप फाइनल ईयर में अपेयर कर रहे हो, अभी इस साल आपका फाइनल ईयर चल रहा है, आप डेफिनेटली दे सकते हो, क्योंकि जब तक एग्जाम होगी और इसका रिजल्ट आएगा तब तक आप बीएससी फाइनल ईयर पास कर चुके होंगे, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चुका होगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है, आप बीएससी के फाइनल ईयर में हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्वेट पीजी के एग्जाम में सिर्फ 75 क्वेश्चन आते हैं गाइस, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है। जूलॉजी का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है, माइक्रोबायोलॉजी का अलग होता है, बायोकेमिस्ट्री का अलग होता है। और फिर हम बात करें आपका बायोकेमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, तो माइक्रोबायोलॉजी का, इन सबका अलग अलग एग्जाम होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं, किसी भी पेपर देख लीजिए आप, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 75 × 4 करेंगे तो आपको 400 मार्क्स का ये पेपर बनता है, सॉरी 300 मार्क्स का ये पेपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर 300 है ये, ठीक है, 300, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे वो 75 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 300 मार्क्स का ये होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको ये देना है। लाइफ साइंस के लिए जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए सबके लिए अलग अलग पेपर होता है, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। यदि आपको दो एग्जाम एक साथ देनी है, तीन एग्जाम एक साथ देनी है, आप दे सकते हैं, डोंट वरी। इस बार टेंटेटिव डेट्स बताऊँ ये कब होने वाला है, तो दिसंबर के समथिंग में फॉर्म रिलीज हो जाते हैं, जनवरी लास्ट डेट होती है इसकी, जनवरी के मंथ में अप्लाई करने के लिए, और फी सबमिट लास्ट फी जो एग्जाम फॉर्म की होती है वो भी जनवरी के मंथ में ही होती है लास्ट, ठीक है। करेक्शन विंडो जनवरी के मंथ में ही ओपन हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपका फेब के मंथ में या एंड ऑफ द लास्ट वीक के फेब के मंथ में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं, और मार्च में इसकी एग्जाम होती है। तो ध्यान रखिए, जैसा मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ इसी को फॉलो कीजिएगा प्लीज, ठीक है। सिलेबस, ये सिलेबस आता है लाइफ साइंस का, देखो आप स्वेट पीजी लाइफ साइंस को टारगेट कर रहे हो तो बस ये यूनिट्स पूछेंगे आपसे, टेक्निक, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों एक यूनिट उन्होंने कंबाइन करके दे रखी, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक पूछेंगे, दोनों ही पूछी जाती है, उन्होंने सिलेबस में कंबाइन करके दे रखी है। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज, ये यूनिट्स पूछी जाती हैं, ठीक है गाइज, इतनी कम यूनिट्स हैं, और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, बहुत इजी होगा, डोंट वरी, सिर्फ इन्हीं में से 75 क्वेश्चंस आएगा तो ये तो आप आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट्स कवर कर रहे हैं, यदि आप लाइफ साइंस का देना चाहते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी का तो इन यूनिट्स को टारगेट करें, यदि आप जूलॉजी का देना चाहते हैं तो इन यूनिट्स को टारगेट करें, यदि आप बॉटनी का देना चाहते हैं तो इन यूनिट्स को टारगेट करें, आप बायोकेमिस्ट्री को देना चाहते हैं तो इन यूनिट्स को टारगेट करें। अब आपको लगता है पेपर एनालिसिस ऐसे होता है, देखो 2024 का वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये यूनिट्स का कुछ इस तरीके से शो होता है कि 2023-22 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी से, मॉलिकुलर जेनेटिक्स से, प्लांट साइंसेज से, या आप बोले तो हम एनिमल साइंसेज से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर ये मेंशन है गाइज, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं, आपको इन यूनिट्स को टारगेट कैसे करना है, इस यूनिट में भी सब टॉपिक वाइज भी होते हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये सब चीज़ें कर ली, स्ट्रेटेजी से एक एक करके आपने हमारी फॉलो कर ली, कि आपने एग्जाम पैटर्न देखा, आपने सिलेबस सब कुछ कंपेयर कर लिया, आपको पढ़ना कैसे, तो इन जैसे कि लाइफ साइंस की बताऊँ, ठीक है, लाइफ साइंस की हम बात करें तो ये 8 यूनिट्स को आपको टारगेट करना है। तो आपको स्ट्रेटेजीज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर यूनिट को
एक इजी एक डिफिकल्ट यूनिट आपके अकॉर्डिंग लेना है, या फिर आपने आईएफएस का अप्लाई हमारा चलता है स्वेट पिच को टारगेट करें तो उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड कोर्स जैसे आपको मिलता है उसमें से आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन यूनिट्स को आपको टारगेट करना है, तो एक यूनिट आपको डिफिकल्ट लेनी है और एक यूनिट आपको ईजी लेनी है। उन दो यूनिट को देखो, हम जब पढ़ाते हैं तो हम आपको सारा सब कुछ पढ़ाते हैं, तो आपको बड़ा लगेगा माइट भी, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ कवर करवानी, बट आपको ये देखना है कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आप उसको ज़्यादा टाइम देकर फोकस करके पढ़े। तो एक ईजी यूनिट एक डिफिकल्ट यूनिट आपको दो यूनिट लेनी है, ठीक है। और दो यूनिट को डेली आप जितना घंटे पढ़ सको, यदि आप बीएससी के फर्स्ट ईयर में हो तो आप डेली 2 घंटे दे रहे हो तो सफिशियंट है, यदि आप बीएससी के सेकंड ईयर में हो और आप 3 घंटे दे रहे हो तो सफिशियंट है, और यदि आप बीएससी के फाइनल ईयर में हो आप 4 घंटे दे रहे हो तो सफिशियंट है, ठीक है। बट इतना मतलब ऐसा नहीं होता है, बट यदि आप 4 घंटे दोगे तो ज़्यादा सही है, 3 घंटे भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ दीजिए, बीच में ड्रॉप आउट नहीं करना है। अब इन यूनिट को एक ईजी और एक डिफिकल्ट यूनिट को आपको लेना है, हर बार एक इजी एक डिफिकल्ट यूनिट, ठीक है। कौन सा? एक इजी और एक डिफिकल्ट यूनिट, ठीक है। इजी यूनिट को सेलेक्ट करें और एक डिफिकल्ट यूनिट को जो आपको लगता है, क्योंकि अब आपको पता है क्या आपके अकॉर्डिंगली इजी है, जो आपने पढ़ा है वो इजी है, जो आपने नहीं पढ़ा वो डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि एक यूनिट इजी जब टारगेट करोगे तो वो स्मूथली चलेगी और डिफिकल्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा देने के लिए, ठीक है। तो दो यूनिट चलने दीजिए एक साथ, ठीक है, भले डेली आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो दीजिए, पर दो यूनिट एक साथ रखिए, यानी कि पहले मैं एक खत्म कर लेता हूँ फिर, क्योंकि एक एक साथ खत्म करते हो तो उसमें बोर होने लगते हो आप, ठीक है। तो एक इजी एक डिफिकल्ट, जब हो जाए तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एक इजी एक डिफिकल्ट, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस यही स्ट्रेटेजी होती है, ये डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, ठीक है। जैसे दो यूनिट में से कोई एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है फिर दूसरी यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ऐसे चलते रहते हैं अल्टरनेटिव। अब एक यूनिट छोटी है और एक बड़ी है तो आप बोल रहे हो कि सर इजी वाली थी डिफिकल्टी को टाइम लग गया तो इजी वाली खत्म हो गई तो फिर डिफिकल्टी एक यूनिट नहीं, दूसरी इजी वाली से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनमें से आपके लिए कोई भी यूनिट ईजी नहीं लगती तो आप दोनों ही यूनिट डिफिकल्ट वाली उठा सकते हो, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, तो आप उठा सकते हो दोनों यूनिट को, ठीक है, एक साथ और पैरेलली थोड़ा थोड़ा डेली रोज पढ़िए, जितना पढ़ रहे हो उसका रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस ये आप स्वेट पीजी के एग्जाम तक करते रहे तो आप, हम लोगों ने इतना रिजल्ट दिया है आईएफएस ने, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपका स्वेट पीजी निकलेगा भरने, आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेगा जो आप चाहते हो, आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो आपको डीयू मिलेगा, लिख कर ले लीजिए। बात ये, यदि आपने कंसिस्टेंसी के साथ डेली 2 लेक्चर अटेंड करना है, रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको आईएफएस की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, वहां जाके डेली 2 कोर्स 2 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। अब उसमें से डेली 2 यूनिट में से आपको पूरी पूरी 2 यूनिट पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से थोड़ा पार्ट, अब वो यूनिट आपको 20 दिनों तक चल रही है, ठीक है, 20 दिनों तक चलने दो, ठीक है, डेली 2 लेक्चर पढ़िए, ठीक है, 2 यूनिट के अलग अलग यूनिट के 2 लेक्चर लीजिए और उसको चलने दीजिए पैरेलली, ठीक है। और जैसे चलने देते हो उसका एग्जाम रिलेटेड सेम डे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका फायदा होगा डेफिनेटली, और दूसरे एग्जाम भी आपको दूसरे एग्जाम निकालने में, दूसरे में से एंट्रेंस एग्जाम निकालने में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस और ये यूनिट रही, आप इसको करिए, ठीक है। पेपर एनालिसिस देखिए, हर एक उसका है, लाइसेंस के अलावा और भी माइक्रोबायोलॉजी हर एक का है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पर देना चाहूँगा आपको स्ट्रेटेजीज में ऐड ऑन करने के लिए, कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करो, जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ब्लाइंडली स्टडी मत कीजिए, देखिए एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पेपर एनालिसिस से पता चलते हैं, पेपर एनालिसिस से पता चलते हैं, जो कि आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उनको रहे, ये नहीं कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर को, अरे पहले पढ़ो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, अरे तो सर ये कौन से पूछे जाएंगे, अरे ये पूछे नहीं इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं हुए तो इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाएंगे, और नहीं भी पूछता तो आपको एक पता चलेगा क्लिक के इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो जरूरी है ताकि आप उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये भी टाइम को मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा, बहुत इजी रहता है डेली डेली, जब भी आप एक वीकली टेस्ट दे, संडे टेस्ट आईएफएस पे अवेलेबल है, संडे टेस्ट के बाद कोई यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पर यूनिट टेस्ट दे, उसका कंप्लीट यूनिट का टेस्ट दे, ठीक है। तो देखिए, और हमारे पास एक ही यूनिट टेस्ट नहीं, हर एक यूनिट के मल्टीपल टेस्ट भी अवेलेबल है, और
रेक्टिफाई योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम. गलती करें, क्वेश्चन गलत हो रहे. स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मान लो 75 क्वेश्चन का आपने पेपर दिया, ठीक है, कोई एक यूनिट आपने पढ़ लिया उसका पेपर दिया, आप उसके आपको 60 क्वेश्चन गलत हुए, सिर्फ 15 ही सही हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़े, फिर एग्जाम दें. हर बार सेम मिस्टेक रिपीट मत कीजिए. गलती होती है, एक बार गलती होगी, सेकंड टाइम उसको करेक्ट कीजिए, उसको दोबारा रिपीट मत करो. नई गलती करो, कोई बात नहीं, ताकि एग्जामिनर तक ऐसी गलती करते रहोगे और हर गलती को सही करते रहोगे, तो ऐसी गलतियां होने के लिए आप बस कुछ रह ही नहीं जाएगी, गलतियां ही नहीं रह जाएगी, ठीक है. तो थोड़ा सा रेक्टिफाई योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम. गलती करिए, गलती तभी तो कर सकते हो जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे, ठीक है. MI बड़ा सोचिए, ये जरूरी है. किसी भी एस्पायरेंट, यहाँ पर IFS के वेबसाइट पर कितने ही इंटरव्यू हैं आप देख लेना, हर एक टॉपर यही बोलता मिलेगा कि सर मैंने सबसे पहले ये सोचा था क्या ये एग्जाम मेरे से क्वालिफाई होगी नहीं होगी, मुझे लगता था कि नहीं होगी. बहुत कम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कॉन्फिडेंट रहते थे, क्योंकि उनकी पहले की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो वो स्टूडेंट ही कॉन्फिडेंट मिलेंगे. बाकी 90% स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी आएगी या मेरा इतना अच्छा स्कोर मिलेगा, मुझे DU मिलेगा, ठीक है, मुझे मैंने सोचा था ये एग्जाम दूंगा कोई एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, बस ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है. बट होता है, एम हाई बड़ा सोचिए, ठीक है, ये जरूरी है. और फोकस इज एवरीथिंग, ठीक है. फोकस नहीं करोगे, पढ़े जा रहे हो, फोकस से नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, तो नहीं होता ऐसे, ठीक है. फोकस जितना भी टाइम दे रहे हो, लिमिटेड टाइम दे रहे हो, लिमिटेड टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं, बट फोकस होके पढ़ो, ठीक है. बाकी आपको हमारा ITJM, GATB या SOET PG, SOET PG को टारगेट करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स तीनों के अवेलेबल हैं. ITJM और GATB का ऐप लाइव भी अवेलेबल है, SOET PG का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, यूज़ कूपन कोड IFS50, ठीक है. हमारी वेबसाइट पर जाओगे, ये आपको मिल जाएगा कोर्स IFS50, अप्लाई कीजिए कूपन कोड और 50% ऑफ हो जाएगा. वहाँ पर IFS की वेबसाइट पर जाओगे, एग्जाम नेम लॉगिन करने के बाद एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, SOET PG में आप किसका लेना चाहते हैं, लाइसेंस का, तो लाइसेंस सेलेक्ट कीजिए और फिर वहाँ पर हमारा कोर्सेज दिखने लगेंगे. कोर्स डिटेल पे जाइए, कोर्स डिटेल पे जाने के बाद यूज़ कूपन कोड IFS50, नहीं तो आपको है ना वहाँ पर 50% ऑफ ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, कूपन कोड यूज़ करना होगा. कूपन कोड IFAS50 लगाइए और आपको वहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा. अप्लाई कूपन कोड पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और देन चेकआउट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है. एवरीवन, यह IFS का रिजल्ट है. और भी रिजल्ट देखना चाहते हो तो IFS की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन में आप जा सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट लगा हुआ है. VR रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट. यहाँ पर PPTs में लाना इतना ही होता है पॉसिबल, ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज. और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये QR कोड जरूर स्कैन कीजिए. आपको ऐप या फिर सिंपल इसी प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए IFAS, या फिर आपके पास कोई iOS डिवाइस है, एप्पल डिवाइस है, तो आप ऐप स्टोर पर जाकर और IFAS टाइप कीजिए और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस. और सारे वीडियोस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए अपडेट्स के लिए इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. सी यू सून.